तो गाइस कल मैंने मॉर्निंग में अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, ये वाला जो कि एक सब्सक्राइबर से रिलेटेड वीडियो था। एंड इसके कुछ टाइम बाद योगेश सर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला जो कि एक अपडेट से रिलेटेड वीडियो था, मोनेटाइजेशन अपडेट से, यानी छोटे मोटे अपडेट आए थे उसके बारे में योगेश सर ने एक वीडियो बनाया था। एंड दोनों वीडियो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक पर है, ना ही इनमें कोई यानी कि कनेक्शन है, क्योंकि ये अपडेट से रिलेटेड है, वो मेरा सब्सक्राइबर से रिलेटेड था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इन दोनों का वीडियो का क्या मतलब है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अब मैं यहां पर जाता हूं अपने YT स्टूडियो ऐप में एंड उस वीडियो को मैं यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं। ये वाला जो वीडियो था मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था, फिर उसके बाद योगी सर का यहां पर वीडियो आया था, ये वीडियो मेरा सब्सक्राइबर से रिलेटेड था। एंड यहां पर मैं जाता हूं गो टू इसके एनालिटिक्स में जाता हूं एंड इसके बाद मैं इसकी रीच पर जाता हूं और रीच पर जाकर आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टॉप वीडियो सजेस्टिंग दिस वीडियो, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे 22% जो मेरा व्यूज इस वीडियो पर आया है, इस वीडियो के वजह से आया जो कि योगी सर ने अपने चैनल पर अपलोड किया था। यहां पर मैंने कुछ ट्रिक यूज की थी, कुछ तरीके यूज किए थे, कुछ ऐसे स्टेप थे जिसके वजह से जो मेरी वीडियो थी वो योगी सर की वीडियो के सजेशन में जा रही थी। एंड योगी सर की जो भी बंदा वीडियो देख रहा था एंड वीडियो देखने के बाद कट कर रहा था तो मेरी जो वीडियो थी वो ब्राउज फीचर में जा रही थी। कुछ ट्रिक मैंने यूज की थी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले मैं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं। सो गाइस अगर आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है YouTube पर जिससे आपका जो 4 घंटे एंड 1000 सब्सक्राइबर रातों रात कंप्लीट हो जाए या एक दिन में आप कंप्लीट कर लो, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगी। अगर कोई तरीका होता तो आजकल सभी यूट्यूबर होते, सभी YouTube से पैसे कमाते होते। तो 4000 घंटे एंड 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी वीडियोस पर चाहिए व्यूज। अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा तो आपका वॉच टाइम कैसे इंक्रीज होगा, आपके सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज होंगे, तो आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा जब तक आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा। तो व्यूज लाने के लिए सबसे मेन फंडा जो होता है, हमें अपनी वीडियो ऑडियंस के पास पहुंचानी पड़ेगी। कोई भी किसी भी प्रकार की ऑडियंस है, अगर उसके सामने हमारी वीडियो जाती है तभी हमारी वीडियो पे व्यूज आएगा, वरना हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा। हम चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो बना लें, चाहे कितना भी अच्छा थंबनेल बना लें, चाहे कुछ भी हम अपनी वीडियो में कर लें, जब तक हमारी वीडियो लोगों के पास नहीं जाएगी, लोगों के सामने नहीं जाएगी, लोगों के आंखों के सामने आएगी, तभी तो उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक बताने वाला हूं आप किस तरीके से अपने वीडियो लोगों के सामने पहुंचा सकते हो। सो आपको करना क्या है, आपकी कैटेगरी या आपसे अलग कैटेगरी के जो भी फेमस यूट्यूबर हैं जिनके मिलियन में व्यूज आते हैं, आपको उनको टारगेट करना पड़ेगा। कैसे टारगेट करना है मैं आपको बताता हूं। आपने जैसे यहां पर देख सकते हैं मैंने काफी सारे लोगों को यहां पर सब्सक्राइब करके रखा है, जैसे मैंने योगी सर को सब्सक्राइब करके रखा है और यहां पर मैं आपको और भी नीचे दिखा देता हूं, यहां पर मैंने सौरभ जोशी ब्लॉग को यहां पर सब्सक्राइब करके रखा है। तो मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मैंने टारगेट किया है। अब आपको यहां पर करना क्या है, जैसे आप मॉर्निंग में किसी भी टाइम वीडियो अपलोड करते हो तो पहले देख लेना जो आपसे बड़े क्रिएटर हैं, आपको कुछ क्रिएटर यहां पर लिख के रख लेना जो भी आपकी कैटेगरी के हो। जैसे मैं अपनी कैटेगरी के मान लेता हूं योगी सर है, मनोज दे है और यहां पर माई स्मार्ट सपोर्ट सर है, इस टाइप के यानी कि आपको यूट्यूबर अपनी कैटेगरी के देख लेने जिनके एकदम बहुत सारे व्यूज आते हैं, यानी कि जैसे वो वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो पर काफी अच्छा खासा व्यूज आता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्रिएटर आपको टारगेट करने हैं। अब यहां पर उनकी टाइमिंग देख लेना, अगर आपको टाइमिंग पता है कि भाई ये 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं या 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं या कितने बजे आपको वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको उसी टाइम वीडियो अपलोड करनी है। जैसे वो बंदा कोई यानी कि आप जिसको भी फॉलो करते हो, वो क्रिएटर जिस टाइम वीडियो अपलोड करे आप उससे 10-5 मिनट पहले आपको वीडियो अपलोड करना है। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे यहां पर मैं मान लेता हूं मैंने एक यहां पर वीडियो अपलोड किया, जैसे मैंने 8 बजे मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद यहां पर एक योगी सर का वीडियो आया, योगी सर का यहां पर दिखा देता हूं, एक योगी सर का वीडियो आया। अब मैं इस वीडियो को यहां पर ओपन करता हूं, यहाँ पर ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ पर स्क्रीनशॉट। मैंने इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं पहले आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि आप समझो कि भाई मैं ऐसे हवा में फेर मार रहा हूँ, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो पर मैंने ये ट्रिक यूज़ की थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एडिट पर जाता हूँ, एडिट पर जाकर यहाँ पर मैं जाता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ और सबसे यहाँ पर मैं लास्ट में जाता हूँ, तो लास्ट में आपको योगी सर की वीडियो का यहाँ पर आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो टाइटल है वो योगी सर की वीडियो का टाइटल है जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर किया था। एंड यहां पर मैं आपको और भी दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं यही टाइटल है, यहां पर मैंने टैग में भी इसी टाइटल को पेस्ट किया था जिससे जो मेरी वीडियो थी वो योगी सर के वीडियो के सजेशन में आ रही थी, जिससे उस वीडियो पे मेरा व्यूज आ रहा था। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं किस तरीके से मेरी वीडियो जा रही थी, यहां पर मैं जाता हूं फिर रीच पे और रीच पे जाकर मैं यहां पर वहीं दिखा देता हूं, उस वीडियो पर मैं क्लिक कर देता हूं जो योगी सर की वीडियो है। एंड योगी सर की वीडियो पे जो भी देख रहा था तो उसके नीचे मेरी यहां पर वीडियो रैंक कर रही थी। अब योगी सर की वीडियो देख के जो भी कट कर रहा था एंड होम पर आ रहा था तो मेरी वीडियो
वहां पर रैंक कर रहे थे। अब आपको करना क्या है, जो भी आप अपने क्रिएटर को, जिसकी भी वीडियो आपसे बाद में आए, मतलब आप किसी को फॉलो कर सकते हो, आप इस ट्रिक को पुरानी और न्यू वीडियो दोनों पर ही फॉलो कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कर लेना है एंड इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करके आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया, जो भी आप बड़े क्रिएटर को फॉलो करते हो, उसका यहाँ पर आपको किस तरीके से टाइटल यहाँ पर उठा लेना है। टाइटल यहाँ पर आप उठा लेंगे और इसको यहाँ पर ओके कर देना। ओके करके आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। एंड यहाँ पर कुछ टाइटल गलत भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर सही कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपको क्या करना है, जो भी आपकी वीडियो है, जो योगी सर से पहले या किसी भी क्रिएटर को आप फॉलो करते हो, आपने जो भी वीडियो अपलोड की है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। आप दो तीन क्रिएटर के साथ कर सकते हो, जिससे यानी कि जो भी आपने, जिसको भी आपने सब्सक्राइब किया है, आपसे बाद में जो भी वीडियो आ रही है, जो आपने अभी 8 बजे वीडियो पब्लिक कर दी या किसी भी टाइम आप वीडियो पब्लिक करते हो, उसके बाद जो भी क्रिएटर वीडियो पब्लिक करे, जिस क्रिएटर की वीडियो यानी कि आए और उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो उनके वीडियो का जो टाइटल है यहाँ पर आपको सबसे नीचे पेस्ट कर देना है। आप 4-5 टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टैग में भी इसी तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। टैग में अगर आप पेस्ट कर दोगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो उनकी वीडियो के नीचे सजेशन में जाने लगेगी। जब आपकी वीडियो सजेशन में जाने लगेगी तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने लगेगा, क्योंकि लोगों के सामने जब आपकी वीडियो जाएगी तभी तो उस वीडियो पर व्यूज़ आएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक और यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर किसी बड़े बड़े चैनल का नाम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जिसकी वीडियो पर अभी व्यूज़ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्निकल योगी सर का भी यहाँ पर नाम यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरी जो वीडियो होगी, ये वाली जो वीडियो होगी, वो उनकी वीडियो के नीचे चली जाएगी जो अभी उन्होंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है। इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। सिंपल, आपसे बाद में जो भी क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिएटर जिनको आप फॉलो करते हो, उनकी वीडियो आए, उनकी वीडियो का टाइटल आपको कॉपी करके यहाँ पर टैग में लगाना है और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देना है। बस आपको इतना करना है एंड आपकी कुछ टाइम बाद आपकी जो वीडियो होगी वो ऑटोमेटिक रैंक करने लगेगी वहाँ पर ब्राउज फीचर में और उनकी वीडियो के नीचे सजेशन में। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है, मैं पहले यूज़ करके देख चुका हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है तभी मैंने आपको बताया। और आप इस ट्रिक का रेगुलर अपनी वीडियोज़ पर यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी पुरानी वीडियो हो, चाहे आपकी न्यू वीडियो हो, किसी पर भी आप यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपका जो व्यूज़ है आता जाएगा एंड आपका जो वॉच टाइम है एंड आपके जो सब्सक्राइबर वो इंक्रीज होते रहेंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा है। इस तरीके से आप इस ट्रिक का रोजाना यूज कर सकते हो। कितने भी बड़े क्रिएटर को आप फॉलो कर सकते हो, जब उसकी वीडियो आए तब उस वीडियो का टाइटल कॉपी कर लेना, आपको अपनी वीडियो में पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन में और टैग में। इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज कर पाओगे और अपने सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम इंक्रीज कर पाओगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर मैं ऐसी ही यूनिक ट्रिक लेके आता रहता हूं। तो दिल के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।